देखो चांद आया, चांद नजर आया। नाहिदान हुसैन, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से समस्त मित्र परिवार और प्रदेशवासियों को रमजान ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म। कोरोना के साथ पैदा हुई एक और खतरनाक बीमारी से राज्य में अब तक 52 लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र में पिछले साल COVID-19 फैलने के बाद से अब तक फंगल इन्फेक्शन म्यूकर माइकोसिस से 52 लोगों की मौत हो गई है। इस बीमारी से अपनी जान गंवाने वाले लोग कोरोना से ठीक हो चुके थे। स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि म्यूकर माइकोसिस को ब्लैक फंगस के नाम से भी जाना जाता है। कोरोना वायरस से स्वस्थ हो रहे और स्वस्थ हो चुके कुछ मरीजों में ये बीमारी पाई गई है। इस बीमारी के मरीजों में सिर में दर्द, बुखार, आंखों में दर्द, नाक में संक्रमण और आंशिक रूप से दृष्टि बाधित होने जैसे लक्षण देखे जा रहे हैं। पिछले साल कोरोना की पहली लहर आने के बाद से अब तक म्यूकर माइकोसिस से महाराष्ट्र में 52 लोगों की मौत हो गई है। इनमें से सभी COVID-19 से स्वस्थ हो गए थे। पहली बार राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने ब्लैक फंगस के कारण मरने वाले लोगों की सूची बनाई है। दरअसल COVID-19 के मामले बढ़ने और ब्लैक फंगस संक्रमण बढ़ने की रिपोर्टों के बाद राज्य ने आंकड़े जुटाने शुरू किए हैं। इससे पता चला कि ब्लैक फंगस संक्रमण से 52 लोगों की मौत हो चुकी है।